देखिए भाई लोग, आज आप लोगों को एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम दिखाने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको एक घड़ी का टाइम दे दे, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर दिया है 2 hours 35 minutes and 15 seconds। आप यहाँ पर एक प्लेन मिरर रख दिया, तो बोला जो प्लेन मिरर के बाद जो घड़ी अंदर में फॉर्म करेगा प्लेन मिरर के अंदर में, तो उस घड़ी का टाइम क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, आप सोचिए। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। जैसे आप जानते हैं एक घड़ी में आपका 12 आवर्स होता है, सो आप 12 आवर्स को ऐसे लिख सकते हैं 11 hours 59 minutes 60 seconds। ठीक है, आप जो टाइम दिया यहाँ पर 2 hours 35 minutes 15 seconds, उसको जस्ट इससे माइनस कर दे। इसको अगर आप सब्सट्रैक्ट करते इससे, तो आपका आपका टाइम आ जाएगा यहाँ पर 9, यहाँ पर 45 और यहाँ पर 24। सो आपका इस घड़ी का जो टाइम होगा वो होगा 9 hours 24 minutes 45 seconds। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।